अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? यकीनन खुश और हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबको पेन केक की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो बच्चे ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं और हल्के फुल्के भूख में शाम के टाइम भी बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोग सबको पेन केक में जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ उसकी अशिया बता देती हूँ, जो कुछ यूँ हैं। पेन केक के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है, ये मैदा। आप घर में अगर आप चक्की का आटा यूज़ करते हैं या ऑल पर्पस फ्लोर जो भी आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने मैदा लिया है, ये तकरीबन 2 कप के करीब मैदा है। ये जब हम इसको दूध में और अंडे में बीट करेंगे तो हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। इसमें मैदा का इस्तेमाल होगा। मैंने नॉर्मल शुगर नहीं लिया, आइसिंग शुगर है, आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें मोज़रेला जाएगा। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल होगा, 2 अंडे तकरीबन। इसके अलावा गार्निशिंग में पिस्ता बादाम, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि न्यूट्रेला वगैरह को आप कैसे इसमें फिल कर सकती हैं। और इसके अलावा इसमें वनीला एसेंस भी ऑप्शनल है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, इस पर 2 अंडे डालेंगे। ये अंडे मैंने पहले से ही अलहदा से तोड़ के रख दिए थे, क्योंकि कभी कभी गर्मी के सीजन अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। अभी हम इसको हल्का सा बीट करेंगे। हमने तकरीबन 1 मिनट अंडे को बीट किया है। अब इसमें ये आइसिंग शुगर में यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। आइसिंग शुगर तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, आप ही कम ज़्यादा कर सकती हैं। आइसिंग शुगर, इसके अलावा इसमें नमक, वैसे ना डाले स्किप कर दे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं तकरीबन ये 1 टीस्पून है, मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून अभी इस कंडीशन में यूज़ करूँगी इस पॉइंट में। और ये देखें ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान आप डाल लें तो अच्छी बात है, नहीं डालें तो ये ऑप्शनल है। इससे फ्लेवर खुशबू थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता है। और इसके अलावा इलायची पाउडर, ये देखिए इलायची पाउडर है, ये घर का पिसा हुआ, इसको आप पीस लें। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं डाल रही, आप अगर डालना चाहें तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बड़ों को दें तो इलायची पाउडर ज़रूर डालें, ये पेट के लिए मैदे के लिए बेस्ट है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा फिर बीट करते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट्स तक इसको बीट किया। अभी देखिए ये वनीला एसेंस जो आपको पता है बेकिंग की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बच्चों को आपको पता है अपनी तरफ खींचती है कि ये चीज़ें खा लूँ मैं। तो हम इसको तो हल्का से बीट करेंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा दूध एक साथ कभी मत डालें, बीट करते हल्के हाथों से बीट दूध का इस्तेमाल करें, आराम से हल्का हल्का दूध डालें आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अब मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, आप समझ लें इससे भी कम मिनट, आप खुद चेक कर लीजिएगा। जब आपके थोड़े से हल्के से बबल आ जाए तो आप इसको रोक दीजिएगा बीटर को। अच्छा, लाजिम नहीं कि मैं बीटर से इसको बीट के तो आप भी करें, आप विस्क की मदद से कर सकती हैं। अगर विस्क है तो आपके घर में नहीं है, ये भी टेंशन नहीं है, आपके घर में ये यकीनन होगा फोक, उसकी मदद से करें। बस हाथों का इस्तेमाल ऐसा कीजिएगा, थोड़ा तेज़ कर दीजिएगा, इससे चीज़ें यकजान अच्छी तरीके से हो जाएंगी। अब इसमें ये तकरीबन 2 कप मैदा है, तो ये मैं ये अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालूंगी और 2-2 चम्मच करके भी डालूंगी। अच्छा, मैदा हो आटा हो जो भी, इसको पहले छन्नी की मदद से छान ले, क्योंकि बाय चांस कभी ऐसा होता है कुछ इसमें कोई कंकर कुछ, बाय चांस, वरना अदरवाइज़ अक्सर नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं 2 टेबलस्पून कर करके इसको बीट करूँगी, 2 टेबलस्पून डालूंगी, इसको हल्का सा बीट करूँगी अपनी कंसिस्टेंसी देखने के लिए। ओके, अब हम इसको बीट करते हैं।
ये देखें, मैंने तकरीबन इसको 1.5 कप इसमें मैदा इस्तेमाल किया है, और दूध हमारा 2 कप के बराबर था जो मैंने सब नहीं डाला था, आपने देखा था। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ चेक करें, ऐसे हो गए काफ़ी ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाकर हम थोड़ा और दूध इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैं बीटर हटा दिया आप लोग दिखाने के लिए, बीटर बीटर हटा दिया, अब विस्क की मदद से कर रही हूँ। आप विस्क का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आहत की स्पीड बढ़ा दे। वैसे नॉर्मल ये विस्क की मदद से ही बनता है, बस मैं आपको दिखाने के लिए कि आपके घर में जो अवेलेबल हो इजीली आप वो कर सकती हैं। अब हम थोड़ा और दूध इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, दूध 2 कप है और मैदा भी 2 कप है, आप अपने हिसाब से मिक्स करते जाएगा मैदे को, आटा चक्की का आटा हो या ऑल पर्पज फ्लोर आजकल काफ़ी है, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी। अब भी देखें, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसमें तकरीबन 2 कप दूध कंप्लीट जाएगा। फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। चले, अब देखें, मैंने तकरीबन 2 कप दूध कंप्लीट डाल दिया है। अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा, अब ये मुझे ऐसे मेरे लिहाज से थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि पतला है। तब आप क्या करेंगे, ये देखें, मैंने मैदा रखा था, इसमें 2 टेबल स्पून हम और ऐड कर लेंगे, 1 और 2। फिर हम इसे विस्क करेंगे। आप विस्कर यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में घरों के लिए। मैं तो आपको बीटर इसलिए दिखाया कि जिस घर में जो चीज़ अवेलेबल हो, विस्क हो या बीटर हो या फोक की मदद से, बस हाथों को थोड़ा स्पीड में चलाइएगा। पैन केक काफ़ी थिक भारी भी बनता है, लेकिन ये मैं आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट बनेगी। घर पे लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं रेफर नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर ये पसंद बड़ों के, क्योंकि बड़े आपको पता अक्सर नहीं खा पाते रोटियाँ, तो वो अक्सर पैन केक पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। तो आपको पता है मैदे के लिए बेकिंग पाउडर थोड़ा सा या बेकिंग सोडा अवॉइड ही किया जाए मेरे ख्याल में। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। अब इसका आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल में बेस्ट है। अब चेक कर लें कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। बाकी अगर दूध कम पतला हो जाए तो आप मैदे का इस्तेमाल कर लें, या भारी हो जाए तो आप दूध अपनी तरफ से और डालें, ये कोई इशू नहीं। आप बनाएंगे 1-2 मरतबा 3 मरतबा तो आपको पता चल जाएगा, खुद आपको एहसास हो जाएगा कि आपको कितना भारी या कितना पतला रखना है। ठीक है, अब हमें इसको तकरीबन 15 मिनट या आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे, ताकि मैदा जो है अच्छी तरीके से दूध में, अंडे में जो हमने डाला है आइसिंग शुगर, इसमें यकजान हो जाए। तो चले, तकरीबन 20 मिनट के बाद मिलते हैं। चले देखें, मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको रेस्ट दिया है। इस 20 मिनट में मैंने अपनी चाय भी पी ली है। आप भी पैन केक बनाइएगा और इसके साथ चाय को इन्जॉय कीजिएगा। तो चले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आप अगर बच्चों के लिए बना रही हैं, मैंने ऑयल लिया है, सिंपल कुकिंग ऑयल लिया है, आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, देसी घी या सिंपल जो घी घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी आप पैनकेक बना सकती हैं। बिस्मिल्लाह, अब इसको इस तरह करके पेन को आप इस तरह घुमा लें तो वो पेन की शक्ल शेप पकड़ लेगा, वरना आप चम्मच की मदद से भी इसको गोल कर सकती हैं। चलिए, एक साइड पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल में हम इसको चेक कर लेते हैं, शायद वो नीचे से नीचे वाला साइड पक गई है। अब हम इसको पलट देते हैं। चलिए, तो एक साइड हल्का सा कुक हो गया, इसको हम अभी ज़्यादा पकाएंगे। इसको ज़्यादा तेज़ आंच में मत पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच में पकाएंगी तो ये आपको पता है मैदा है तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताती चलूँ, आप घर का नॉर्मल आटा जो भी यूज़ करती हैं घर के लिए, रोटी के लिए, पराठे के लिए, चक्की का हो या फिर वो दूसरा को वाइट आटा हो या मैदा हो, आप कोई भी आटा इसमें यूज़ कर सकती हैं।
ब्रेकफास्ट में भी आप बच्चों को दे सकती हैं, शाम के टाइम आप चाय के टाइम बच्चों को दे सकती हैं। यानी ये एक मुकम्मल मील भी है और बच्चों बच्चों के पसंद की चीज़ भी है। तो हम इसको दोबारा पलट देते हैं, ये देखें। अच्छा, इस पॉइंट में आप हल्का सा ऊपर से, अगर आप मैं क्योंकि आपको इसके अंदर न्यूटेला डाल के भी दिखाऊंगी, इसके अलावा चेदर चीज़ या मोजरेला चीज़ जो आपके घर में वो भी डाल के दिखाऊंगी, और जैम भी डाल सकती हैं। वरना ये भी हो सकता है आप ऐसे बना के बच्चों को आमलेट अंडे के साथ, या फिर आप चाय के साथ, नॉर्मल चाय के साथ, या किसी भी मीठे के साथ भी, जैसे खीर सवैया बच्चे शौक से खाते उसके साथ भी आप बच्चों को दे सकती हैं। लेकिन इस पैन केक को कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा और, जैसा भी आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि ये इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ये देखें। अच्छा, इस पॉइंट में मैं आपको इसमें मोज़रेला चीज़ डाल के दिखाती हूँ। इस पॉइंट में आप इस तरफ एक तरफ मोज़रेला डालेंगी, तो चलो मैं दिखाती हूँ। चलिए देखें, आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ को या चेदर चीज़ को या स्लाइस चीज़ को पैन के ऊपर ही डाले, यानी कि जब पैन केक पैन के ऊपर तब डालें। अदरवाइज दूसरी चीज़ें जैसे जैम में आपको दिखाऊंगे कैसे इस पर डालना है, या न्यूटेला, वो आप पैन से पैन केक को उतार कर फिर इसमें डालेगा, क्यों ये आपको पता है अभी इसमें मिक्स होगा। इस तरह करके आप इसको इस तरह फोल्ड कर लें, इस तरह फोल्ड करके इसको चला, हम इसको उतार लेते हैं पैन से। चले देखिए, इस तरह चीज़ बीच में से मेल्ट होगा, ये देखें। आप ये जब भी बनाए बच्चों को गर्मा गर्म दे, ताकि वो चीज़ बीच में मेल्ट होगा तो खाने में मज़ा करेगा। अब हम दूसरा पैन केक रेडी करते हैं। अच्छा, आप ज़्यादा तेल डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकती हैं। मेरा असल में जो पैन है ये नॉन स्टिक है, इस वजह से मुझे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो आप इस तरह डाल के आप इसको घुमा लें, आप चम्मच की मदद से भी इसको कर सकती हैं गोल। देखिए, आपको चम्मच की मदद से भी इसको गोल कर सकते हैं। अगर आपके पैन में ये बैटर सही तरीके से मूव नहीं हो रहा तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकती हैं। चलो हम इसको थोड़ा पकने देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं और फिर इसको पलट देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें, आप इसकी शक्ल देख सकती हैं। इस पैन पे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, बच्चों को ऊपर से देसी घी, अगर आपके पास प्योर देसी घी है, या मक्खन ऊपर से डाल के फिर बच्चों को पराठे की तरह इसको दें, कि इसमें आपने देखा तमाम विटामिन वाली चीज़, अंडा, इसके अलावा दूध, आइसिंग शुगर, अगर आप इसको स्किप करना चाहे कर सकती हैं। आप ब्राउन शुगर डाल दें, गुड़ डाल दें, सबसे बेस्ट गुड़ है। आप अभी गर्मी को सीज़न पे आप गुड़ डालें इसमें। इसके अलावा अगर पिस्ता क्योंकि मैं अपने बच्चों को देती हूँ, तो इसमें पिसा हुआ पिस्ता, पिसा हुआ बादाम, वो बच्चों को दे, बेस्ट है बच्चों के लिए। तो ये देखा, आप इसकी शक्ल दे सकते हैं क्या कैसी हो रही है। ये रेगुलर नशा है, जैसे घर में होते हैं भाई भी होते हैं, बाप भी, फादर्स भी होते हैं, हस्बैंड भी, यानी जो जो आपके पास ये रिश्ते मौजूद है, आप उनको सुबह एक दिन रोटी, एक दिन पराठा, एक दिन पैनकेक खिलाएं, उनका उनका मुँह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और आपको भी शाबाशी मिल जाएगी, जैसे मुझे मिलती है आपको भी मिलेगी। तो ये देखिए, इसकी शक्ल आप देख सकती है, देखिए शक्ल आपको देखने में कितनी प्यारी लग रही है, और खुशबू ऐसी आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते कि खुशबू इसमें कैसी आ रही है। तो चले, ये पक गया, आप हम अपना तीसरा पैन केक रेडी करते हैं। अब हम तीसरा पैन केक बनाते हैं। आपके पास अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप पैन में तवे में सबसे पहले हल्का सा तेल लगाएगा, इसके बाद चम्मच की मदद से डालते साथ ही चम्मच की मदद से उसको गुलाई दे दीजिएगा, इस तरीके से, किसी बड़े चम्मच से या फिर ऐसे जैसे मैं स्पून से करी, ऐसा आप इसको गुलाई दे सकती हैं। आप इसको गुलाई दे दीजिएगा, फिर बच्चों को पका के दीजिएगा।
और इसके अलावा घर में कोई सब्जी भी, आप सब्जी भी एक साइड से पका के एक साइड आप सब्जी डाल दें, उसको आप दबा दें तो वैसे लगे जब पराठा, रात की कोई भी पकी हुई सब्जी या आलू या कुछ चिकन का सालन, उससे चिकन निकाल के आप डाल दें, उस पर आप वेजिटेबल का एडिशन कर दें तो बेस्ट मील बन जाएगा आपके लिए। चलिए फिर हम इसको 2 मिनट पकाते हैं, फिर इसको पलटते हैं। इसको तकरीबन मेरे हल्की आँच पे, आप ज़्यादा तेज़ आँच में मत पकाएगा क्योंकि आपको पता ही आटा कच्चा है, इसको हम सब बेटर की तरह बनाया है तो इसको तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट हल्की आँच पे पका के फिर इसको आप पलटें। जी आप जब पलटें तब भी आप इसमें अगर तेल का एडिशन करना चाहे तेल मक्खन या घी आप इस तरह साइड में डाल दें, इस तरह साइड में डाल के ये देखिए। चल हम तीसरा वो करते हैं फिर आपको बताते हैं। चले मैंने तकरीबन आधे मिनट इसको पकाया, अब हम इसको पलटते हैं। ये देखिए आप इसकी शक्ल खुद देख ले, आप घर जब घर में बनाएंगे 2-3 मरतबा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चों के लिए ये बेस्ट मिले। अच्छा पेन केक थिक भी होते भारी भी, लेकिन ये मेरे बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट, आप जब घर में बनाएंगे आपको पता चलेगा। और अगर आप हफ्ते में 2-3 टाइम बना रही हैं तो कोशिश कीजिएगा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अवॉइड करें, कि मैं रेफर नहीं करती बच्चों के लिए, वो ये बर्थडे के लिए कभी कभी अच्छा है, ये नहीं इसका केक वगैरह नहीं बनती, ये कभी कभी के लिए अच्छा है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल में इस किस्म की चीज़ें बच्चों को मत दें। चलो मैंने अपने तीन पेन केक तैयार कर लिए, बक्के में रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मेरे तकरीबन तमाम पेन केक बन के रेडी हो गए, ये तकरीबन मैं आपको जो दिखाया था तकरीबन 2 कप के करीब मैदा था, इससे तकरीबन ये बड़े 8 पीस पेन केक बने हैं। ठीक है अब मैं इसको बताती हूँ आप किस किस तरीके से इसको बच्चों को दे सकती हैं। एक मैंने पहले आपको बता चुकी थी कि एक में मैंने मोज़रेला डाला, आप स्लाइस चीज़ भी डाल सकती हैं, चेदर चीज़ भी डाल सकती हैं जो आपके बच्चों को या आपको पसंद है। बाकी मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बच्चों को दे सकती हैं। चलो अब ये एक पेन केक मैंने अलहदा से निकाला, इसमें आप ऐसा कीजिएगा कि इसमें न्यूटेला, आप न्यूटेला डाल लगाइएगा पहले। अच्छा आप पूरा न्यूटेला भी लगा सकती हैं, एक साइड में लगा सकती हैं इसको ऐसे फोल्ड करने के लिए, मैं एक साइड लगाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर बाद में हम लोग हनी भी डालेंगे। तो चलिए न्यूटेला लगाते हैं। चलिए देखिए मैंने एक साइड लगाया है न्यूटेला चॉकलेट, आप कोई भी दूसरा चॉकलेट मेल्ट करके या जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं, मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी इस वजह से। अच्छा इसमें मैं अपने बच्चों को कभी कभी ये देखे बादाम मेरे बिल्कुल पीस के रखा हुआ है, इसको बीच में बादाम, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे सादा साबित बादाम खाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बादाम और ये पिस्ता आप इस तरह डाल के। अच्छा आप बादाम पिस्ता डालने के बाद इसमें भी मोज़रेला डाल सकती ताकि वो आपस में बाइंड हो जाए, इस तरह करके आपने इसको ऐसे कर देना है यूं करके। इसके बाद ये देखिए आप बच्चों को जब प्लेटर में देंगी यूं करके दीजिएगा तो बच्चे शौक से भी खाएंगे, उनको पसंद भी आएगा। चलिए देखें एक में मैंने न्यूटेला लगाया है, ये होममेड स्ट्रॉबेरी जैम है, इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो फिर एक में हम लोग ये होममेड जो मैंने स्ट्रॉबेरी जैम तैयार किया है इसको लगा लेंगे, इसको मैं पूरा लगाऊंगी और हल्का हल्का लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है मीठा बहुत होता है ये, खासतौर पर बच्चों के लिए घर पर बनता है ज़रा था तो ये काफ़ी मीठा होता है, तो आप इसको पूरे पेन केक में फैला दें। ये देखिए ये मैंने आधे पे नहीं, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आप जिस तरीके से चाहे न्यूट्रेला को पूरा फैला दें, चाहे आप हाफ में लगा दें, चाहे आप क्वार्टर में लगा दें, बस बच्चों को देने के लिए। कभी कभी हम क्वार्टर में भी लगाते हैं, ऐसे क्वार्टर में लगा के आप इसको यूँ फोल्ड करके फिर यूँ फोल्ड कर दें ताकि ज़्यादा मीठा भी नहीं हो, बच्चों को टेस्ट भी आए। ये मेरे पूरे इसमें ये कर दिए, स्प्रिंकल कर दिया, फैला दिया, अब आप इसको यूं करके बच्चों को दे सकती हैं। इसके बाद आप हनी डाल दें, न्यूटेला डाल दें या आइसिंग शुगर डाल दें, आपकी मर्ज़ी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं। मेरे तमाम पेन केक बन के रेडी हो गए, इस पर मैंने चॉकलेट लगाया था आपके सामने, इस पर चीज़ है आप देख रही हैं मोज़रेला चीज़ और इसमें जैम है। अब आप क्या कर सकती हैं, ये इसमें चॉकलेट वाले में आप ज़रा सा ऊपर से आइसिंग शुगर स्प्रेड कर दें इस तरह। इसके बाद जो जैम वाला था, ये जैम वाले में आप ये हल्का सा, या इसमें जिसमें हम लोगों ने मोज़रेला चीज़ डाली इसमें आप हल्का सा
चॉकलेट डालते हैं बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, बच्चे ये चीज़ें देखते थोड़ा खुश होकर बस खा लेते हैं। इस तरह चॉकलेट डाल दें और एक में आप हनी डाल दें। अब हनी डाल दें। चलो अब हम आपको इसको सर्व करने का तरीका बताते हैं। मेरी आज की रेसिपी पैनकेक बनके रेडी हो गई है। मैं एक बार फिर आप सबको कहूँगी कि आप लोग रेगुलर इस्तेमाल में जो भी आटा इस्तेमाल करती हैं आप रोटी या पराठा बनाने के लिए, आप उससे पैनकेक बना सकते हैं। और ये लाजिम नहीं है कि मैंने चॉकलेट अंदर डाला है या जैम, आप वही डालें। आप रात की बची कोई भी सब्ज़ी या आलू का सालन, उस पर आलू निकाल के, चिकन का सालन और चिकन निकाल के श्रेड करके बीच में फिल करके बच्चों को दे सकते हैं। बस ये कि अगर आप ज़्यादा भारी, मैं 2 कप मैदा लिया था, 2 कप दूध। अगर आप थोड़ा हल्का बेटर बनाएंगी ये लिक्विड में आपको भारी लगेगा तो वो थोड़ा मोटा पैनकेक बनेगा, और अगर आप इसको हल्का रखेंगी या थोड़ा सा लिक्विड तो आपको वो पतला में फील होगा और खाने में मज़ा करेगा। मैं आखिर में फिर आप सब लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में एक प्यारी सी और छोटी बात, तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम इसे याद नहीं करते, लेकिन इसके बेशुमार बंदे हैं वो फिर भी हमें नहीं भूलता। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।